में सरकार हम लोग का हो जाएगा, घर पहुंच जाएंगे, यहाँ खाना खाएंगे, कई दिन 500-1000 रुपये में चलेगा। कोरोना का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम साहेबाबाद में मौजूद हैं और साहेबाबाद में ये जो है आप देख रहे हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं सभी के सभी, और ये मेट्रो का काम करते थे। अब जो है पूरी तरह से देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जो है ये लोग जो है, कई सवाल हैं इनके, इनसे जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। आप क्या कह रहे थे? सर, हम लोग जब आए हैं काम करने के लिए 2 दिन काम किए हैं और बाकी दिन बैठे हुए हैं, इसके लिए सरकार से कोई मदद चाहिए, कुछ करें, हेल्प चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे सर? सर ये है कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, कितना दिन बैठ के रहेंगे? एक तो खाना पीना का समस्या है और कैसे रहेंगे, इतना दिन, कितना दिन का लॉकडाउन है। अब ये कहने चाहते हैं कि सरकार हम लोग को किसी तरह अपना देश पहुंचा दे, इसके लिए कोई व्यवस्था कर देगा, यही चाहते हैं हम। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली? अभी हम लोग को कुछ भी मदद नहीं मिला है सर। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई चीज़ का मदद नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि आप 21 दिन के लिए बंद है, आप लोगों का काम रुक चुका है, क्या कहेंगे? तो बैठ करके क्या करेंगे, अगर वैसा ना होगा तो हम लोग को घर पहुंचा दे सरकार। बैठने से कोई फ़ायदा ना है, आने से भी कितना दिन हो गया है और ऐसे बैठे हैं, ना कोई चीज़ का सुविधा है, ना खाने का कुछ मिल रहा है, यहाँ तो पानी पीने का भी तो आफत है, तो क्या करेंगे यहाँ बैठ करके सर। हम लोग घर पहुँचा थे, सरकार से कोई सुविधा मिल लगे, बस तो आप लोग दिहाड़ी पे काम करते थे? हाँ, हम लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ वक़्त आप लोग आए थे? हम लोग आए यहाँ बनावटी 15 तारीख को। 15 तारीख आए थे जी। हाँ, क्या 15 तारीख को आने के बाद हम ये आदमी लोग को सब मिल के काम करने लगे, और काम करने के बाद एक दो दिन काम किए, उसके बाद पूरा काम बंद। उसके बाद अभी यही दिक्कत हो रहा है कि हम लोग के पास पैसा नहीं मिल रहा है, ना ठेकेदार लोग से भेंट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम लोग ऐसे रूम पे रहते थे मकान मालिक के यहाँ, और बस वो भी बोल रहा है भाई पैसा देना होगा, नहीं तो रूम खाली करके जाओ, यही बात है। तो सरकार से कोई मदद मिल रही नहीं? नहीं, ये कुछ भी हम लोग को हेल्प नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, सरकार को हेल्प नहीं, अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि हम 500-500 रुपये, 1000 रुपये अकाउंट में देंगे। तो 500-1000 रुपये में सरकार हम लोग का हो जाएगा, घर पहुँच जाएंगे, यहाँ खाना खाएंगे, कई दिन 500-1000 रुपये में चलेगा। अभी एक भी नहीं मिला है, तो 500-1000 की बात तो दूर की बात है। अभी एक भी नहीं मिला है मेरे को। राशन वगैरह कुछ ही नहीं मिला है अभी। जो हम लोग के पास 2-4 दिन का था, हम लोग एक टाइम दो टाइम हल्का हल्का बना के इतना सारा आदमी खा रहे थे, अब है नहीं ऐसे। अभी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि जाएंगे, पैदल जाएंगे, यही सब बात है। अच्छा, और कोई बात? तो आप मेट्रो का काम करते थे? जी, हम मेट्रो का ही काम पे आए। जहाँ काम करते थे वहाँ पर वहाँ के जो ठेकेदार है, उसने क्या कहा? ठेकेदार लोग से तो बातचीत हुआ कि हाँ तुम लोग देखो 2-4 दिन में ऐसे होता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे क्या करेंगे। वो लोग ठेकेदार भी फ़ोन पर अपने बात कर रहा है, 2 दिन से लगा रहे, एक बार फ़ोन उठा रहा है तो हाँ भाई देख रहे हैं तुम लोग को, देखते हैं खाना खाना के भेज पैसा भेजने के चक्कर में है, उसके बाद अभी भेजा ही नहीं। कहाँ पर रह रहे हैं अभी? अभी तो यहीं बालाजी विहार में रह रहे हैं। तो अब क्या आगे क्या करेंगे? आगे आप अब सरकार क्या कर रहे हैं, अब सरकार बताएंगे हम लोग को कि किस तरह पहुँचाया जाए, कि यहाँ खाना दिया जाए, अपने बताए कुछ भी। घर मेरा बिहार हुआ। अच्छा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो आए के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे? तो अब सरकार से यही अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम लोग कुछ व्यवस्था करवाए, खाना का, खाने पीने का, रहने का, और इससे ज़्यादा क्या। हाँ, आप भी यही काम करते हैं? जी, मैं बिहार के कटिहार जिला से आया हूँ यहाँ मेट्रो के काम के लिए। लगभग करीब 15 दिन हुए आने से। हम लोग कुछ 1-2 दिन ही काम किए हैं, और 1-2 दिन में जो भी मजदूरी मिल गई है बस उतने खाए हैं, और कंपनी जो पैसे दिए थे उतने का राशन चल रहा था अब तक में। और अब तक में हमारे पास किसी के पास पैसे नहीं है जो कि मैं राशन खरीद सकता हूँ। तो मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि एक तरफ तो हम जानते हैं हमारे सरकार हमारे भलाई के लिए लॉकडाउन किए हैं, मगर ये भी नहीं कहता हूँ कि सरकार गलती किए हैं, मगर सरकार सही किए हैं। मगर ये भी तो है कि कहीं कोई तरफ कोई मर रहा हो और कोई तरफ जी रहा हो, सरकार की ये तो नीयत नहीं है। कोई कोई गरीब किसी तरह किसी का खाने की नहीं है, वो मर रहे हैं, और किसी का जान बच रहे हैं, बड़े बड़े आदमी सब तो उसे सब कुछ है वो बच रहे हैं। हम जैसे गरीब लोग हैं, हम लोग मजदूरी करते थे, जितना पैसा था उतना ही खाए हैं। अब हम प्रदेश में है, इसे किससे मांगेंगे? सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। सरकार बोलते हैं 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, 500 में हम लोग कितने दिन चलने वाली है? खूब 2-3 दिन, और 500 दे भी देंगे तो क्या होगा हम लोग का?
मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि हमें अपने घर तक पहुँचाए सुरक्षित। बस मैं उतने माफ से रहूँगा, माफ जितने पैसा घर में है उस तक मैं खर्च करूँगा। मैं सरकार से ही दरखास्त करता हूँ। अच्छा, उनका कहना है कि हमने राशन वगैरह दिया है, राशन वगैरह कुछ मिला है? जी नहीं, ऐसा कोई राशन सर नहीं मिला है। अच्छा। पानी भी नहीं मिली है? नहीं मिले? नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। सब लोग साथ जी? सब हम साथ हैं, वो 50 आदमी हम लोग हैं। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को सिर्फ घर चाहिए, हम लोग को घर जाना चाहिए जी। सरकार से निवेदन यही कि हमको घर जाना है। जी तो अब तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो बस चलेगी नहीं? बस नहीं चलेगी, तो हम लोग को रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था मिल जाए। सरकार कहना है कि हम लोग कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस कोई सुविधा नहीं मिला सरकार से। कुछ सुविधा नहीं? नहीं नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? बस हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग इसी तरह रह रहे हैं, किसी तरह देखते हैं। उसके बाद हम लोग पैदल चल जाएंगे घर, पैदल पटरी पटरी पे पटरी चल जाएंगे हम लोग पैदल पटरी जी। तो ये तमाम मजदूर हैं जो कि यहाँ पर काम करते थे, ये देखिए तमाम मजदूर हैं और यहीं पास में रहते हैं। जब हम लोग यहाँ कवरेज करने आए तो तमाम मजदूर हमें मिले और उन्होंने बोला कि हमारी समस्या दिखा जाए कि कोरोना की वजह से हम बाद में मरेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो भूख की वजह से मर जाएंगे। कुछ और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। आप भी साथ में काम करते हैं? जी साथ में काम करते हैं। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं हम लोग? कुछ मिला है पैसे वैसे? नहीं मिला है पैसा वैसे। ठेकेदार क्या कर रहे हैं? ठेकेदार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चे दे रहे हैं, 500 रुपये से इतना आदमी चला नहीं पा रहे हैं। आप लोग सब एक ही साथ रहते हैं? जी। कहाँ रहते हैं? पीछे बालाजी विहार में। बालाजी विहार में, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है मजदूर है और दिहाड़ी मजदूर है, मेट्रो काम कर रहे थे और अभी जो है लॉकडाउन होने की वजह से जो इन लोगों की जो है वो स्थिति जो है वो ख़राब हो